नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। छठे चरण यानी कि 12 मई को होने वाले चुनाव को लेकर के बिहार में मतदान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए और अपने प्रत्याशियों के फेवर में वोटिंग को करने के लिए लगातार चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण मोतिहारी पहुंचे और वहां पर महेशी में उन्होंने अपने प्रत्याशी जो कि एनडीए कैंडिडेट हैं राधामोहन सिंह, उनके लिए वोट मांगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि जब 15 साल तक पति पत्नी की सरकार थी तो उस दौरान लोग लालटेन का सहारा लेकर के जिया करते थे, लेकिन अब गांव गांव बिजली है, सड़क है, मजदूरी जो मैंने की है उसके जो मेहनताना है वो मुझे दीजिए। नीतीश कुमार ऐसा कह रहे हैं जब भी वो दौरा करते हैं प्रदेश का और जब भी वो किसी के सामने जन संबोधन में जाते हैं, जनता के सामने जाते हैं, तो वो अपने विकास कार्यों की मजदूरी मांगते दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा आप सुनिए। अरे चंपारण की धरती का तो हम नमन करते हैं, ये बापू की गर्व भूमि। 1917 में अप्रैल में बापू यहाँ आए और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई और चंपारण सत्याग्रह का क्या असर पूरे देश पर पड़ा कि मात्र 30 साल के अंदर बापू के नेतृत्व में जो अभियान चला देश भर में कि देश को आजादी मिल गई। कि चंपारण की जो महत्ता है ये तो सबको मालूम। चंपारण सत्याग्रह का 100 साल मनाने के लिए हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया, ये सब किया। तो चंपारण की धरती, हम तो कोई काम की शुरुआत यहीं से करते हैं। 2005 में जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया उसके पहले हम लोगों ने न्याय यात्रा की शुरुआत की, इसी चंपारण से शुरुआत की थी और इसी चंपारण में हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों को मौका दीजिएगा तो कानून का राज कायम करेंगे और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे। कानून का राज कायम हुआ इस इलाके में तो उतना नहीं, लेकिन सोच लीजिए वाल्मीकि नगर और पश्चिमी चंपारण के अनेक इलाकों की हालत क्या थी। और जगह तो शाम में लोग निकलने की हिम्मत नहीं करते और चंपारण का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, वहां लोग दोपहर के बाद भी बाहर निकलने का हिम्मत नहीं करते। और किस तरह से काम कर रहा है और किस इलाके का विकास हम लोगों ने नहीं किया, समाज के किस तबके के उत्थान के लिए काम किया, हर इलाके के विकास के लिए काम किया। हमारे साथ ही माननीय विधायक सारी बात बता रहे हैं, हम लोग तो कोई इलाके की उपेक्षा नहीं करते और समाज का जो तबका किनारे पड़ा हुआ था उनके उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, न्याय के साथ विकास का यही। तो जाहिर सी बात है 12 मई को चुनाव होने हैं छठे चरण का, 19 मई को आखिरी चरण का चुनाव होगा। उससे पहले जो छठे चरण का चुनाव होगा उसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। मोतिहारी सीट या फिर यूँ कहें कि पूर्वी चंपारण से एनडीए कैंडिडेट राधामोहन सिंह जो वहाँ से मौजूदा सांसद भी हैं उनके खिलाफ खड़े हैं महागठबंधन के एक कैंडिडेट जो कि आरएलएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं आकाश सिंह। अखिलेश प्रसाद सिंह चुनावी कैंपेन कमेटी कांग्रेस जो है उनके बेटे हैं वो, और वहाँ से राधामोहन सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली बात हुई कि नीतीश कुमार का जो कन्विंसिंग लेवल हो जनता के ऊपर कितना सटीक बैठता है, क्या वहाँ से एक बार फिर से एनडीए को जीत मिलती है, क्या मोदी मोदी का नारा जो अभी लगाया जा रहा है जनसभाओं में क्या वो कारगर साबित होता है, क्या ये सच में लहर नहीं सुनामी है, ये देखने वाली बात होगी 23 मई के बाद जब नतीजे सामने आएंगे। 23 मई को उस दिन ये क्लियर हो जाएगा। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे बिना देरी के सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।